हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मोड पेपर जो कि हिस्ट्री क्लास 12वीं के लिए है। सो इस वीडियो में हम लोग जो कवर करेंगे टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी यहाँ पे बताएंगे कुछ उसका कैसे लिखना है। तो चलिए इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पूरी तरह से अगर देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन इसी से आएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मोड पेपर होता है उससे तो आपको 50% क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग तैयारी नहीं भी किए हैं तो इस मोड पेपर सारे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी जाएगी। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए, ताकि आपको कोई से प्रश्न छूटे नहीं। सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ऐसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ नियम दिए हुए हैं। इसका समय जो दिया रहेगा आपका 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा और यहाँ पे पूरा जो आंकड़ा रहेगा 100 मार्क्स का है, जिसमें से आपको 60 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, और जहाँ पे आपको 85 क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो 60 में से 50 का उत्तर देना है, 10 आपको एक्स्ट्रा के रूप में दिया है। अगर आप लोग को काफ़ी यहाँ पे छूट दिया है बिहार बोर्ड ने कि अगर नहीं भी आता है तो आप 10 क्वेश्चन आराम से छोड़ के आप आराम से 50 क्वेश्चन तो बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे तो कुछ नियम दिए, आप लोग पता होगा परीक्षा यथासंभव अपने शब्द में उत्तर देना है, ये सब चीज़ दिया हुआ। और तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि मोहन जोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की, तो इसकी खोज जो की थी वो राखल दास बनर्जी की थी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। मोहन जोदड़ो की खोज 1922 में कौन की थी, तो राखल दास बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप लोग जो से लैंग्वेज में एग्जाम देने वाले तो आप लोग देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि मोहन जोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो ये जो है सिंध भाषा का शब्द है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कालीबंगान कहाँ स्थित है, तो कालीबंगान जो है राजस्थान में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान पर मिला, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल का प्रमाण मिला था वो कालीबंगान में मिला था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, कालीबंगान। क्वेश्चन नंबर 5 देख पाएंगे, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, तो इसकी जो तुलना की जाती है ये नेपोलियन से की जाती है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी, तो जो कराई थी रुद्र दमन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, रुद्र दमन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख पाएंगे, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी नदी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी के संगम पर, गंगा सोन और पुनपुन। क्वेश्चन 8 देख पा रहे होंगे, इंडिका के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है वो मेगास्थनीज है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, मेगास्थनीज। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे होंगे, अशोक किस वंश का शासक था, तो आसान सा क्वेश्चन है, पता होगा आप सभी को, ये मौर्य वंश का शासक था, जो कि इसके संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख पा रहे होंगे, द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो द्रौपदी जो थी वो इनमें से सभी की पत्नी थी, अर्जुन भीम नकुल द्रौपदी जो है 5 के पति थे, 5 यहाँ पे जो दिया पांडव जो दिए थे पांडव लोग, तो उसमें से 5 लोग के पति थे, यानी यहाँ पे 3 दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी की। क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहे होंगे, अभिमन्यु किसका पुत्र था, तो अभिमन्यु जो था वो अर्जुन का पुत्र था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन है 12 कि महाभारत के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है वह वेद व्यास, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, वेद व्यास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख पा रहे होंगे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एक बोधि वृक्ष थे जिसके नीचे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख पा रहे होंगे, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक जो है वो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख पा रहे होंगे, अकबरनामा के लेखक कौन है, तो अकबरनामा के जो लेखक है वो है अबुल फजल है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, अबुल फजल। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख पा रहे होंगे, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, तो तंबाकू पर जो प्रतिबंध लगाने वाला था शासक वो था जहांगीर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 17 देख पा रहे होंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया, तो इसका जो निर्माण आरंभ किया था वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसका समाप्त जो किया था वो किया था अल्तुतमिश, इसको पूरा बना के समाप्त किया था, लेकिन शुरुआत किया था
कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 18 देख पाएंगे, हुमायूं का भाई कौन था? तो हुमायूं का जो भाई था, यहाँ पे तीनों ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पर, क्वेश्चन नंबर 20 तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? तो तुजुक ए बाबरी जो के लेखक जो थे वो थे बाबर, यानी खुद थे। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए तुजुक ए बाबरी किसने लिखी, तो बाबर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख पा रहे होंगे, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो दीन ए इलाही जो संबंधित है वो है अकबर से, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, अकबर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख पा रहे होंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1336 ईस्वी को हुई थी, जिसके संस्थापक जो थे हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 32 देख पा रहे होंगे, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? सो विरूपाक्ष मंदिर जो स्थित हुआ है हम्पी में है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख पा रहे होंगे, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो विजयनगर के साम्राज्य जो है वो अपने आप को राय कहते थे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विजयनगर के शासक जो है अपने आप को राय कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 25 देख पा रहे होंगे कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो विष्णु को जो अपना पति मानती थी इनमें से सभी हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 26 देख पा रहे होंगे, रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य थे रैदास, कबीरदास एवं धन्य एवं पीपा, ये सभी थे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख पा रहे होंगे, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वो सबको पता होगा दिल्ली में है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देख पा रहे होंगे, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का यात्री था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मोरक्को। इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो मोरक्को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन 29वां, किताबुर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो किताबुर रहला में जो है वो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत मिलता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 30 देख पा रहे होंगे, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 30 का राइट होगा। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 31 देख पा रहे होंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तो स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी को हुई थी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन नंबर 32वां, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका जो नेता था वो था सिद्ध एवं कन्हू, सिंधु एवं कन्हू, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सिद्धू एवं कन्हू। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख पा रहे होंगे, माहौलवाड़ी बंदोबस्त को किसने लागू किया? तो माहौलवाड़ी बंदोबस्त को जो लागू करने वाले थे वो थे मार्टिन वर्ड, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, मार्टिन वर्ड। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देख पा रहे होंगे, उलगुलाल विद्रोह का नेता कौन था? तो उलगुलाल विद्रोह का नेता जो था वो था बिरसा मुंडा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 35 देख पा रहे होंगे, दमिन एकू क्या था? तो ये जो था एक भूभाग था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, भूभाग। दमिन एकू क्या था, तो भूभाग राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख पा रहे होंगे, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। बिहार के जो थे 1857 तो वो थे वीर कुंवर सिंह, बट यहाँ पे वीर कुंवर सिंह नहीं दिया हुआ है, और 1857 के इन लोगों का तो जन्म ही नहीं हुआ था किसी का, सो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 देख पा रहे होंगे, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? तो उसको यहाँ पे छबीली, मनु, उसके बाद मणिकर्णिका, ये सभी नामों से जाने जाते, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, 37 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख पा रहे, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है? सो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, फिर मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि कौन इसका आंसर सही दिए हैं, अगर आपने वीडियो को पूरी तरह से देखा है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख पा रहे, 1857 की क्रांति आरंभ हुई, तो ये जो आरंभ जो हुई थी वो हुई थी 10 मई को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, 10 मई। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख पा रहे, कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या था? तो कलकत्ता में जो अंग्रेजों के किला का नाम था वो था फोर्ट विलियम, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, फोर्ट विलियम।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में देख पा रहे, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई। तो भारत की राजधानी तो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, वो हुई थी 1911 ईस्वी को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा 1911। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में देख पा रहे, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा 1510 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 43 देख पा रहे, वास्को दी गामा भारत कब पहुंचा था। तो वास्को दी गामा जब भारत जब पहुंचा था, असल जो रियल टाइम पूछ बताएं तो यहाँ पे जो था 20 मई 1498 को पहुंचा था, बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ आपका 17 मई 1498 दिया है, तो आप यहाँ पे 17 मई लगा सकते हैं, लेकिन सभी जगह जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हमेशा सभी जगह 20 मई, सो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया है, सो इसमें से कोई नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 20 मई असल है, तो आप लोग डी भी यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है कि, तो यहाँ पे आप लोग डी लगा दीजिए क्योंकि 20 मई को हुआ था, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं दिया, तो इस हिसाब से आपका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 से देख पा रहे, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 1872 ईस्वी को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा, क्वेश्चन नंबर 45 हुआ कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है। तो इसमें इसकी जो आत्मकथा जो है वो है गुजराती भाषा में, बट अभी जो है अंग्रेजी और सभी राज्यों की जितनी भाषा है सभी भाषा में प्रकाशित हो चुका है, उसका अनुवाद हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देख पा लूँगी, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए। तो ये दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी को वापस आए थे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख पा लूँगी, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। तो इसका जो संबंध जो है पता होगा सभी को, बिहार से राज्य से है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख पा लूँगी, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया था वो दिया था सुभाष चंद्र बोस, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख पा रहे, 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर डी हो जाएगा, नहीं राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख पा रहे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था वो था 1920 ईस्वी को, बट समाप्त जो हुआ था 1922 को। क्वेश्चन नंबर 51 देख पा रहे होंगे, पुना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो पुना समझौता हुआ था 1932 ईस्वी को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देख पा रहे होंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया। तो इसका जो आरंभ किया था वो क्या था, महात्मा गांधी, पता ही होगा आप सभी को, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 53 देख पा रहे होंगे, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। तो ये बने थे 1938 ईस्वी में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा 1938 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 54 देख पा रहे होंगे, 1949 ईस्वी में फोर्ट ब्लड की स्थापना किसने की। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 देख पा रहे, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 ईस्वी को हुई थी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा 1906 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देख पा रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सो ये काफ़ी बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ये पूछा भी जा सकता है, तो 1885 ईस्वी आसान से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या ए हो जाएगा, इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देख पा रहे, कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया, यानी कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था। तो जो भारत आया था 1945 को आया था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देख पा रहे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो थे भीमराव अंबेडकर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, बी आर अंबेडकर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 देख पा रहे, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया। तो भारत को जो आसान से क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित किया था, काफ़ी लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देख पाएंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसके जो प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे हम लोग 60 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, आप देख लेते सब्जेक्ट क्वेश्चन क्या, सब्जेक्ट क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा आप लोगों को। सो सब्जेक्ट क्वेश्चन जो है आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सॉरी सब्जेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है 27 क्वेश्चन, 127 दिया हुआ है। सो जिसमें से आप लोग को केवल 15 ही प्रश्नों का उत्तर देना है,
टोटल आपको 27 क्वेश्चन पूछेंगे, बट उसमें से आपको 15 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, और जो प्रत्येक प्रश्न रहेंगे उसका आपको 2 मार्क्स दिए रहेंगे, जो कि आपका 30 मार्क्स का होगा। चलो देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आपको पूछाएगा। देखिए, अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेख किसे कहते हैं पता होगा आप सभी को, अगर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। मैं अगर चाहते हैं आप लोग यहाँ पे बताऊँगा इसका आंसर तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, सो आप लोग कमेंट कीजिए। सब्जेक्ट का अगर वीडियो चाहते हैं तो मैं अलग से PDF के रूप में बना के आप लोग को दे सकता हूँ। तो चलिए, अभिलेख किसे कहते हैं इसके बारे में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम लिखिए, आसान सा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है पतन के कई कारण ऐसे है, तो लेकिन 2 कारण आसान से क्वेश्चन है। कई विद्वानों के अनुसार क्या कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी सिंधु नदी में काफ़ी भयानक बाढ़ आई थी, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये हो सकता है कि काफ़ी एक बार क्या हुआ, अचानक कि भूकंप आया, जिसमें वैज्ञानिकों के अनुसार अवशेष मिलते कि भूकंप आया और भूकंप आने के कारण हड़प्पा सभ्यता पूरे ज़मीन के अंदर धस गए, जिसके कारण वहाँ पे जितने लोग थे सभी का मृत्यु हो गया और उसी ज़मीन के अंदर धस के पूरा हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो ये 2 कारण आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन चौथा है कि महाभारत के महत्व को लिखें, क्या महत्व है महाभारत पे, इसके हम लोग ऑब्जर्व क्वेश्चन बना दिए हैं, तो काफ़ी उसी यहाँ पे मिलता जुलता क्वेश्चन है इस जो सब्जेक्ट क्वेश्चन ने पहले बनाया था। फिर क्वेश्चन 5 देखो, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के किन्हीं 4 महाजनपदों के नाम लिखें, वर्ण एवं ये काफ़ी विवेक क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिखिएगा। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के किन्हीं 4 महाजनपदों के नाम लिखिए, वर्ण और जाति में कोई 2 अंतर बताएं। फिर दिया बुद्ध के 4 आर्य सत्यों को बताएं, और आगे क्वेश्चन है बुद्ध के संदेश या शिक्षाएं भारत में बाहर किन किन देशों में फैलाए, 2 नाम लिखें, किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम लिखिए। फिर आगे क्वेश्चन है कि आयने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, किन्हीं 2 का नाम लिखिए। अकबर के दरबार के 4 नौरत्नों के नाम लिखिए, अकबर ने जजिया क्यों समाप्त किया, 2 कारण बताएं। फिर दिया हुआ विजयनगर साम्राज्य के किन्हीं 2 ऐतिहासिक इमारतों के नाम लिखिए, सूफी आंदोलन के 4 प्रसिद्ध संतों के नाम लिखिए, रेहला की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए, उसके पलासी युद्ध के 4 कारणों को लिखिए, 1857 के विद्रोह के असफलता के किन्हीं 4 कारणों को लिखिए। फिर है भारत में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना के कोई 2 कारण बताएं, ब्रिटिश काल में बम्बई में निर्मित इंडो सराय शैली कला के 2 भवनों का नाम लिखिए। और भी क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनों के लिए हिल स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण थे। फिर क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन का क्या कारण था, अशोक आंदोलन के किन्हीं 4 कार्यक्रम को लिखिए। फिर है महात्मा गांधी ने अशोक आंदोलन क्यों वापस लिया, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक किन्हीं 4 कारणों को लिखें, शिमला सम्मेलन की असफलता के क्या कारण थे। फिर है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था। उसके क्वेश्चन नंबर 27वां है, जो कि देख पाएंगे 2 मार्क्स का अंतिम क्वेश्चन है, भारत के कौन 2 प्रांत अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच बांटे गए थे। तो ये आसान से क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन। अब आते हैं ये जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछाएंगे, जो टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे आपको 28 से 35, यानी आपको यहाँ पे 4 प्रश्न का उत्तर देना है और 8 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो देखिए 5 मार्क्स से कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन करें, महावीर स्वामी के उपदेशों का वर्णन करें, मुगल काल के जमींदारों की स्थिति का वर्णन कीजिए, अस्थाई बंदोबस्त के गुण एवं दोष की विवेचना कीजिए, फिर 1857 की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए, असहयोग आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डालिए, आज़ाद हिंद फौज का कार्य एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय मुस्लिम लीग की राजनीतिक गतिविधियाँ की विवेचना कीजिए। फिर आगे क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो यहाँ पे 35 तक क्वेश्चन था। तो यहाँ पे मैं उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर वीडियो पसंद आया तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, तो एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उसको भी फायदा हो जाए। अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही जितने भी मॉडल पेपर होगा मैं सभी का आप लोगों को सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, जितने भी मॉडल पेपर अपलोड हुए बिहार बोर्ड का ऑफिशियल, तो सबका आपको सोल्यूशन इस चैनल में मिल जाएगा। तो चलते हैं, समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले नए वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।